हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करें दोस्तों वापस बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर फोर अनंत श्रेणी के अभिसरण व अपसरण। इससे पहले दोस्तों हमने एक्सरसाइज वन की थी। वन से पहले इसका थोरेटिकल पोर्शन, फिर एक्सरसाइज वन की थी, और वन के बाद हमने यहाँ पे जो सेकेंड एक्सरसाइज थी फोर्थ बी, जिसमें हमने कोशिका मूल परीक्षण किया था। और आज हम स्टार्ट करें दोस्तों यहाँ पे फोर्थ सी। कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? फोर्थ सी। और फोर्थ सी में दो टॉपिक है, दो टॉपिक के नाम है, जिसमें फर्स्ट है दोलंबर का अनुपात परीक्षण और सेकंड है लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। तो दोनों को हम अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन यानी थोड़ा सा कंसेप्ट है, दो तीन लाइनों का, यह ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और इसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सके एग्जाम्पल विद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी साथ में जुड़ जाओ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और सब्सक्राइबर भी करो और लाइक भी करो। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन, या फिर मैं बता देता हूँ दोलंबर का अनुपात परीक्षण क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे यदि दो धनात्मक पदों की एक श्रेणी इस प्रकार है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, यानी कि धनात्मक पदों की जो श्रेणी है वो इस प्रकार है दोस्तों, कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। एल क्या हो? परिमित राशि हो। यदि यहाँ पे यू एन प्लस वन अर्थात परिमित राशि हो इज इक्वल टू एल, यानी कि परिमित राशि हो। इफ़ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि हमारे पास एल की जो वैल्यू आ रही है इज ग्रेटर देन टू वन हो, यदि एल की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन टू वन है, तो श्रेणी कौन सी होगी? अभिसारी श्रेणी होगी दोस्तों। यहाँ पे कौन सी होगी? अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी। और यदि हमारे पास एल, इफ़ एल इज लेस देन वन हो, तो अपसारी श्रेणी होगी दोस्तों। यहाँ पे कौन सी होगी? अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अपसारी श्रेणी होगी। और देट यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ, इफ़ एल एल इज इक्वल टू वन, यदि हमारे पास एल की जो वैल्यू इज इक्वल टू वन है, तो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अभिसारी या अपसारी, ठीक है, अभिसारी या अपसारी श्रेणी, ठीक है, अभिसारी या अपसारी श्रेणी होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। उसको हम बाद में, और जो हमारे पास कह सकते हैं एक तो हाइपर हार्मोनिक्स जो कंसेप्ट है उसके माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लघुगुणकीय या एल्गोरिथम रेशियो टेस्ट, ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर कहें तो एल्गोरिथम रेशियो टेस्ट। दैट यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ UN+1 इज इक्वल टू ई हो, क्या हो? इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या है, ई है, ई की जो वैल्यू होती है वो आ जाए 2 पॉइंट, या फिर ई आ जाए डायरेक्ट। यहाँ पे यदि धनात्मक पदों की श्रेणी UN इस प्रकार है, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, धनात्मक पदों की श्रेणी, या लाइन लिखे नहीं लिखे उसे कोई नहीं फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, तो यहाँ पे UN/UN+1 इज इक्वल टू यो हो तो लघुगणकीय अनुपात परीक्षण से, लघुगणकीय अनुपात परीक्षण से, ठीक है, लघुगणक के अनुपात परीक्षण। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखो, कि यदि हमारे पास, मैं कह रहा लिमिट n डैश टू इन्फाइनाइट, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं n, और log log UN/UN+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे l एक परिमित राशि हो, क्या हो दोस्तों? यहाँ पे परिमित राशि हो, तो यहाँ पे l की वैल्यू, यदि हमारे पास एल की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे इज ग्रेटर देन टू वन है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अभिसारी श्रेणी होगी। यदि मैं कह रहा हूँ एल की जो वैल्यू है, इफ़ एल इज ग्रेटर देन टू वन, देन अभिसारी श्रेणी होगी, और एल इज टू
लेस देन टू वन है हमारे पास, तो अपसारी श्रेणी होगी और इक्वल में है तो हम आगे अभिसारी और अपसारी दोनों में से कोई हो सकती है। देन यहाँ पे एल इज़ लेस देन टू वन है तो अपसारी श्रेणी होगी दोस्तों यहाँ पे, और यदि हमारे पास इफ़ यदि एल इज़ इक्वल टू वन देन अपसारी श्रेणी होगी, क्या होगी अपसार अभिसारी या अभिसारी दोनों में से कोई भी हो सकती है। उसको हम बाकी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है द्वितीय तुलना परीक्षण उसके माध्यम से या फिर मैं कह सकता हूँ हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों, तो दोनों आई थिंक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मैंने दो नंबर का अनुपात परीक्षण और लघुगुणक के अनुपात परीक्षण एल्गोरिथम रेशियो टेस्ट, यानी हमारे पास un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू ई हो तो लघुगुणक के अनुपात परीक्षण से लिमिट n डैश टू इन्फाइनाइट n log un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू n, यानी इस प्रकार से हमारे पास क्या होना चाहिए इक्वेशंस होना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास श्रेणी होनी चाहिए दैट यहाँ पे इसकी वैल्यू l आती है परिमेय राशि है, तो l इज ग्रेटर देन टू वन अभिसारी होगा, l इज लेस देन टू वन अपसारी होगा, और l इज l इज इक्वल देन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या होगा लघुगुणक, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अभिसारी या अपसारी नहीं कह के लघुगुणक के अनुपात असफल भी हो सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक और चीज लिखना चाहता हूँ कि l इज ग्रेटर l इज इक्वल वन है, l इज इक्वल वन है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ असफल भी हो सकता है, लघुगुणक की जो अनुपात है वो असफल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द और जोड़ देता हूँ। अब इसके साथ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ पे, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार से होगा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा, निम्न के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण, के अभिसरण का परीक्षण, अभिसरण का परीक्षण करना दोस्तों हमें, और यहाँ पे मैं जो इक्वेशन दे रही कि हमारे पास इस प्रकार से दे रही सिग्मा और अंडर रूट यहाँ पे मैं 2 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n-1 दैट यहाँ पे मैं दो नंबर का अनुपात परीक्षण या पहले तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ un के बराबर इसको लिख देता हूँ दैट यहाँ पे मैं un इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों un इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 2 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1 दैट यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि हमारे पास दो नंबर का अनुपात परीक्षण दैट यहाँ पे u देखो un और un प्लस वन होना चाहिए, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ un प्लस वन ठीक है, और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 2 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1 यहाँ पे लिख रहा हूँ दो नंबर अनुपात परीक्षण ठीक है, दो नंबर अनुपात परीक्षण से, और यहाँ पे un अपॉन un प्लस वन दैट यहाँ पे मैं देखो दोस्तों इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 2 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1 और इसका उल्टा देखो यहाँ पे un में un प्लस वन का डिवाइड करें, यानी ये दोनों चीज़ें अंडर रूट में दे रही, दोनों जो स्टेप दे रही दोनों टर्म्स दे रही वो अंडर रूट में दे रही दैट यहाँ पे a अपॉन बी सी अपॉन डी दैट यहाँ पे d सबसे ऊपर आ जाता सी नीचे का नीचे रहता दैट यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ दोस्तों उल्टा, और यहाँ पे मैं अंडर रूट भी क्या कर लेता हूँ अलग अलग या फिर इसको एक बार तो साथ में ही रखते हैं ठीक है, 3 की पावर यहाँ पे देखो 3 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1 दैट इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया ये इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि लिमिट n डैश टू या फिर मैं कह सकता हूँ इसको ठीक है, यहाँ लिमिट मैंने लगाई नहीं अब की बार लगा लेता ठीक है, और यहाँ से मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा देखो 2 की पावर n, 3 की पावर n यहाँ से कॉमन लूँगा, यहाँ से भी मैं क्या कॉमन लूँगा दोस्तों यहाँ पे 2 3 की पावर n 2 की पावर n दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट
एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों कॉमन, यहाँ पूरे को अंडरूट के नीचे कर लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे ले रहा हूँ टू की पावर एन, और यहाँ पे वन वन माइनस वन अपॉन टू एन, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट थ्री की पावर एन, और यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन, दैट यहाँ पे ये इस प्रकार से स्टेप आ गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कर रहा हूँ मैं, थ्री की पावर एन कॉमन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है थ्री की पावर एन प्लस वन, दैट मीन्स यहाँ पे थ्री की पावर एन और थ्री की पावर वन इस प्रकार से हमें ये दे रखा है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ कि थ्री की पावर एन कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से कॉमन ले लिया, ठीक है, थ्री की पावर एन यहाँ से मैंने कॉमन लिया। दैट यहाँ पे बचेगा क्या, एक तो थ्री बचेगा दोस्तों, और यहाँ पे वन अपॉन थ्री की पावर एन बचेगा, और नीचे यहाँ पे टू की पावर एन बचेगा, और टू माइनस वन अपॉन टू की पावर एन, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो टू की पावर एन से टू की पावर एन, थ्री की पावर एन से थ्री की पावर एन, और यहाँ पे एन डैश टू इनफाइनाइट रखना है दोस्तों, क्या रखना है एन डैश टू इनफाइनाइट रखना है। दैट यहाँ पे मैं एन डैश टू इनफाइनाइट रखूँगा, दैट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट, लिमिट तो हटा देते हैं, एन डैश टू इनफाइनाइट रख रहे हैं, देन यहाँ पे यू एन अपॉन, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला कैंसिल हो गया, वन माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दैट ये मल्टीपल में देख, ये थ्री तो बचेगा यहाँ पे, ये थ्री बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली ऑन टू बचेगा, दैट यहाँ पे बाकी वाले क्या हो जाएंगे सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे, ये कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एन डैश इनफाइनाइट रखेंगे तो वन अपॉन इनफाइनाइट वन अपॉन इनफाइनाइट वन अपॉन इनफाइनाइट वन अपॉन, या वन ही रहेगा या थ्री रहेगा या टू रहेगा या वन रहेगा, दैट यहाँ पे हमारे पास जो बचने वाली चीज़ें वो इस प्रकार से थ्री बाई टू, थ्री बाई टू बचने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 1.5 इज ग्रेटर देन टू वन, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो अभिसरण जो हमारे पास अभिसरण होगा दोस्तों वो होगा हमारे पास, देखो एल इज ग्रेटर देन टू वन, देट अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं श्रेणी अभिसारी होगी या अभिसारी श्रेणी होगी, अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने आज स्टार्ट किया था एक्सरसाइज हमारे पास फोर्थ सी, और फोर्थ सी में हमने दो जो टॉपिक है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, एक है दोलंबर का अनुपात परीक्षण और लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। दोलंबर का अनुपात परीक्षण क्या होता है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल, और ये परिमित है एल इज ग्रेटर देन टू वन तो अभिसारी, लेस देन वन तो अपसारी, और एल इज इक्वल टू वन है देन अभिसारी अपसारी, ठीक है, और लघुगणकीय अनुपात परीक्षण यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू ई आ जाता है यहाँ पे, देन यहाँ पे हमें लघुगणकीय लगाना होता है, यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल, परिमित राशि है दैट अभिसारी ग्रेटर देन में अपसारी लेस देन में, और यहाँ पे इक्वल में अभिसारी अपसारी, या फिर मैं कह सकता हूँ असफलता, दैट यहाँ पे हम वापस उसी के माध्यम से करेंगे दोस्तों, वो जो हाइपर हार्मोनिक वगैरह जो होता है उसके माध्यम से, दैट यहाँ पे, और फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उसको करने की कोशिश की। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल मैं करने की कोशिश करूँगा और स्टेप बाई स्टेप, ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर समझ में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम फल नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों, और यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल किस प्रकार से देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अभिसरण का फ्रिक्शन ही करना है इसमें भी, और हमें जो सीरीज दे रही है वो इस प्रकार से वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन टेन प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है। देन यहाँ पे जो एन वापस जो हमें दे रखा है यू एन इज इक्वल टू एक्स
एक्स की पावर एन अपॉन या एन स्क्वायर प्लस वन, दैट यहाँ पे दोलंबन अनुपात परीक्षण से यह लिख रहा मैं, दोलंबर दोलंबर अनुपात, दोलंबर अनुपात परीक्षण से, ठीक है, और दोलंबर अनुपात परीक्षण यूएन तो दे रखा, देन यूएन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे मैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करना चाहूँगा दोस्तों इस प्रकार से, या फिर मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करना चाहूँगा, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा एक्स की पावर एन और एन स्क्वायर प्लस वन और इंटू यहाँ पे ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन और यहाँ अपॉन में एक्स की पावर एन प्लस वन, दैट यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों नेक्स्ट स्टेप लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ देखो एक्स की पावर एन अपॉन यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, या फिर इसको तो एक बार तो ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, एन स्क्वायर प्लस वन इज मल्टीपल बाई यहाँ पे इसको खोलूँगा तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस देखो वन स्क्वायर आएगा प्लस ये वन देट टू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन देट यहाँ पे मैं क्या क्या कॉमन ले रहा हूँ देखो यहाँ पे एक्स की पावर या फिर यू एन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स की पावर एन और यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन ले लिया देट वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर आ गया यहाँ पे और यहाँ से भी मैं एन स्क्वायर कॉमन लेने की कोशिश करूँगा देट यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन द एन स्क्वायर कॉमन ले देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ टू अपॉन एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर देट यहाँ पे मैं नीचे देखो एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर वन इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, देन जो कट रहा है उसको काट दे एन एन की पावर टू एन की पावर टू एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन जो बचा है उसको लिख देते या फिर एन डैश टू इनफाइनाइट में जब इसमें वैल्यू पुट करूँगा देट यहाँ पे हमारे पास देखो दोस्तों वन अपॉन एन स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा वन यहाँ बचेगा और यहाँ पे वन यहाँ पे टू एन टू एन स्क्वायर देन यहाँ पे एक्स की पावर वन बचेगा ओनली वन क्या बचेगा दोस्तों एक्स की पावर एन लिमिट एन डैश टू लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा दोस्तों वन अपॉन एक्स। यदि यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ वन अपॉन एक्स की तो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन टू वन है तो वो क्या होगा दोस्तों अभिसारी होगा और यदि हमारे पास एक्स इज लेस देन टू वन है तो अपसारी होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नहीं है, यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू वन लूँ तो यहाँ पे या तो अभिसारी होगा या अभिसारी होगा या फिर मैं कह सकता हूँ या अपसारी होगा, दैट यहाँ पे मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यानी हमारे पास जो यू एन दे रखा है वहाँ पे एक्स की वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों यू एन यहाँ पे वन लेंगे, दैट यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन देट यहाँ पे वन की पावर एन और वन की पावर एन वन ही होता दोस्तों यहाँ पे और एन स्क्वायर प्लस वन इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, देट यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है नीचे से वो क्या आ रहा है एन स्क्वायर आ रहा है, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन एन स्क्वायर और वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, देट यहाँ पे नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पे मैं सहायक श्रेणी लेने की बात करूँगा तो सहायक श्रेणी और सहायक श्रेणी हमारे पास क्या हो जाएगी वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पी होता है इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर होता है, दैट यहाँ पे मैं वी एन यहाँ पे ये ले लिया दैट यू एन अपॉन यहाँ लिख देता हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन एन स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इज मल्टीपल बाई एन स्क्वायर बाई वन द एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कर जाएगा दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप आएगा या फिर मैं कह सकता हूँ एन लिमिट एन डैश इनफाइनाइट रखूँ तो वन अपॉन एन स्क्वायर यानी यहाँ पे ओनली ऑन वन बचेगा, दैट यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे मैं जो इसमें अभिसरण का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा दोस्तों सहायक श्रेणी पर निर्भर करेगा, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अभिसरण का मान
अभिसरण का मान सहायक श्रेणी वी एन पर निर्भर करेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो सहायक श्रेणी दे रखी है वो क्या है, वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी तुलना एन की पावर पी, दैट यहाँ पे पी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे टू है, दैट इज ग्रेटर देन टू वन, देन यहाँ पे जो श्रेणी होगी दोस्तों यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है, देख लो। यहाँ पे एक बार वापस मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ अभिसरण का परीक्षण करना है। इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन दे रखी है, और दोलंबर का अनुपात परीक्षण क्या होता है, यू एन दो यू एन प्लस वन, देन या एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन की होल पावर टू की प्लस वन, दैट की लिमिट एन डैश टू वन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एन स्क्वायर प्लस वन एन प्लस वन की होल पावर वन होल पावर टू प्लस वन, देन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो लिमिट एन डैश टू इन्फाइनाइट यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस, इसको मैंने सोल्व करके इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ से एक्स की पावर एन, यहाँ पे मैं एक्स की पावर एन प्लस वन को एक्स की पावर एन और एक्स की पावर वन एक्स पावर एन और एक्स पावर वन, दैट इससे ये कट जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ये कट जाएगा, दैट यहाँ पे एन डैश इन्फाइनाइट रखूँगा तो सारे जीरो होकर यहाँ पे वन अपॉन एक्स सिर्फ बचेगा, दैट यहाँ पे नेक्स्ट एक्स इज ग्रेट एक्स इज इक्वल टू या एक्स इज ग्रेटर देन टू वन, देन अभिसारी लेस देन टू वन, अभिसारी या इक्वल वन, अभिसारी या अभिसारी कोई भी हो सकता है, दैट यहाँ पे एक्स इज इक्वल वन के लिए यहाँ पे यू एन में एक्स की वैल्यू वन रख दी, दैट यहाँ पे वन आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन लिया, देन सहायक श्रेणी यू एन वन अपॉन एन पी इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, दैट यहाँ पे यू एन अपॉन वी एन किया, दैट यहाँ पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, दैट यहाँ पे मैं जब एन डैश इन्फाइनाइट रखूंगा दोस्तों देन यहाँ पे वन आ जाएगा, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अभिसरण का मान सहायक श्रेणी वी एन पर निर्भर करेगा, दैट वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एन पी, और पी की जो वैल्यू टू आई है इज ग्रेटर देन टू वन, देन अभिसारी श्रेणी होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दोस्तों थर्ड, और थर्ड एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे, और किस प्रकार से को देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड किस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अभिसरण का परीक्षण करना है, और जो सीरीज दे रखी है वो इस प्रकार से, ठीक है, द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और यहाँ पे वन अपॉन वन की पावर पी प्लस वन अपॉन थ्री की पावर पी एंड एक्स से मल्टीपल है एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन यहाँ पे फाइव की पावर पी और एक्स की पावर टू प्लस डॉट 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 और यहाँ पे एक्स की पावर एन और यहाँ पे टू एन प्लस वन की होल पावर पी, इस प्रकार से हमें ये सीरीज दे रही है। देन यू एन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स की पावर एन और टू एन प्लस वन की होल पावर पी, देन यहाँ पे दो लंबर अनुपात परीक्षण से ठीक है, दो लंबर अनुपात परीक्षण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, और किस प्रकार से होगा देखो, यहाँ पे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे टू और एन प्लस वन, एंड एन की जगह एन प्लस वन रखना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, सिंपली है। और यहाँ पे पावर पी, दैट यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन टू एन प्लस वन की होल पावर पी इज मल्टीपल बाई, देखो ये वाला स्टेप ऊपर आ जाएगा, इसको अंदर भी सॉल्व कर ले तो टू एन, देखो टू एन और टू को वन से टू प्लस वन, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री, देखो टू एन प्लस थ्री की होल पावर पी और अपॉन में यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टेप आ जाएगा, दैट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे टू की पावर एन मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, टू की पावर एन, देखो या नहीं टू एन की होल पावर पी हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन टू एन
की होल पावर पी, ठीक है, इज मल्टीपल बाई, यहाँ से भी मैं टू टू एन की होल पावर पी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा वन प्लस थ्री की पावर वन प्लस थ्री अपॉन टू एन इस प्रकार से, और यहाँ पावर पी बचेगा, और यहाँ पे एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर वन, दैट यहाँ पे मैं ये टू एन की पावर पी और टू एन की पावर पी से कर जाएगा, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कर जाएगा, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो नेक्स्ट, या फिर देखो एन डैश टू इनफाइनाइट मैं रखूँगा यहाँ पे, दैट यहाँ पे देखो यहाँ तो हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे वन प्लस थ्री अपॉन टू एन, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, दैट यहाँ पे ऑनली ऑन क्या बचेगा दोस्तों, वन अपॉन एक्स बचेगा, क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स बचेगा, और वन अपॉन एक्स को क्या करेंगे, ग्रेटर देन टू वन है, दैट यहाँ पे हमारे पास आंसर कंफर्म नहीं होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन टू वन है तो अभिसारी श्रेणी होगी, और यदि हमारे पास मैं कहना चाहूँ एक्स इज़ लेस देन टू वन है तो अभी अपसारी श्रेणी होगी, और यहाँ पे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू वन है तो अपसारी या फिर मैं कह सकता हूँ अभिसारी होगी, ठीक है, देन यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू वन ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, दैट यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यू एन इज इक्वल टू हमारे पास एक्स की पावर एन और टू एन प्लस वन की होल पावर पी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैं या एक्स की जगह यहाँ पे मैं वन ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे वन की पावर एन वन हो जाएगा, ठीक है, वन की पावर एन वन हो जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ मैं पहले, या कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं एन की पावर पी, ठीक है, एन की पावर पी या फिर एन की पावर पी कॉमन लेते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यू एन इज इक्वल टू यहाँ वन अपॉन एन की पावर पी, और यहाँ पे टू बचेगा प्लस वन अपॉन एन बचेगा, ठीक है, की होल पावर पी, दैट यहाँ पे भी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो वैल्यू होगी वो किस प्रकार से होगी, ठीक है, तो सहायक श्रेणी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सहायक श्रेणी और सहायक श्रेणी वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पी, वन अपॉन एन पी है, और यहाँ पे या फिर मैं इसको ले लेता हूँ वन अपॉन एन पी, और पी की जगह यहाँ पे मैं दोस्तों फॉर इंडिकेशन के लिए पी डैश ले रहा हूँ, और यहाँ पे एन की पावर पी, दैट यहाँ पे जो पी डैश की वैल्यू होगी वो पी होगी दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी, देखो n की पावर p, और यहाँ पे 2 देखो 2 प्लस वन अपॉन n की होल पावर p इज मल्टीपल बाई n की पावर p अपॉन वन, दैट n की पावर p से n की पावर p कट गया, और n डैश इनफाइनाइट रखूँगा, देन 1 अपॉन 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन 2 और पावर p आ जाएगा, ठीक है, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन 2 की पावर p, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो पी की वैल्यू पे यहाँ पे कह सकता हूँ मैं इसकी निर्भर करेगा, पी इज ग्रेटर देन टू वन, देखो सहायक श्रेणी इसका अभिसरण का मान यहाँ कह सकता हूँ अभिसरण का मान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभिसरण का मान सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन के पी पर निर्भर करेगा, ठीक है, निर्भर करेगा, दैट यहाँ पे हमारे पास पी इज ग्रेटर देन टू वन है तो अभिसारी श्रेणी होगी दोस्तों यहाँ पे, और पी की वैल्यू भी हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है, पी इज लेस देन टू वन है तो अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको कराने की कोशिश करूँगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक मुझे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को भी, और आगे देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले सकते हो, अगर डाउट है तो मुझे बता सकते हो, आई थिंक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, बहुत सारे सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है, हार्ड तो अभी आगे आएगा बेटा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 4 करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभिसरण का परीक्षण कीजिए और सीरीज देर की इस प्रकार से, देखो 2x अपॉन एंड 2x अपॉन या 2 की पावर 1 और x की पावर 1 अपॉन 1 की पावर 2 देर की यहाँ पे, फिर देर की 3 की पावर यहाँ पे 2 देर की है और x की पावर यहाँ पे 2 देर की है और यहाँ पे 2 की पावर 3 देर की, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों 4 की पावर 3 और x की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से अभिसरण की श्रेणी, देखो 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो, देखो 2 से स्टार्ट हो, दैट n+1 कह सकता हूँ मैं, और यहाँ पे पावर 1 दैट यहाँ पे मैं इसको देखो 1 2 3 देखो यहाँ पे x की पावर कहाँ से, देखो 2 की पावर 1 2 3 दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n, और यहाँ पे x की पावर भी क्या हो जाएगी दोस्तों n आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, नीचे जो बेस है वो यहाँ पे, देन यहाँ पे n की पावर 1 और यहाँ पे ये जो पावर 2 3 4 से स्टार्ट हो रही है दैट n+1, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा जो इक्वेशन है, या फिर मैं कह सकता हूँ अभिसरण का n पद इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं सिग्मा यू एन नहीं लिखे, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं n+1 की होल पावर n और x की पावर n अपॉन n की पावर n+1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आया है और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोलंबर अनुपात परीक्षण से और दोलंबर अनुपात परीक्षण हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि यू एन प्लस वन लेना है, दैट यहाँ पे n की जगह n+1 कर दूंगा, n की जगह n+1 दैट यहाँ पे n+2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे n+1 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर n+1 हो जाएगा और यहाँ पे n+1 की होल पावर n+1 प्लस, या फिर मैं इसको इस n+2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों n+2 हो जाएगा, दैट इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। फिर यू एन अपॉन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और यहाँ पे UN अपॉन UN+1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे n+1 की होल पावर n और डॉट x की पावर n, ठीक है, अपॉन में n की पावर n प्लस वन, इस प्रकार से हमारे पास है, और ये नीचे वाली चीज़ें सबसे ऊपर आ जाएगी n+1 की होल पावर n+2 अपॉन में यहाँ पे n+2 की होल पावर n+1 डॉट x की पावर n+1, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास n+1, ठीक है, इस प्रकार से हमें ये दे रखा है दैट यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन आ रहा है और जो टूट रहा है यानी कि अलग अलग टुकड़ों में टूट रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं। पहले तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, किस प्रकार से करना है इसको, देखो यहाँ पे n की पावर n और यहाँ पे n+1 की होल पावर n दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस प्रकार से करूँगा, देखो कि n की पावर n कॉमन लेने की कोशिश करूँगा, दैट यहाँ पे n कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे n की पावर n हमें दे रखा है, और यहाँ से भी दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ से भी मैं बीच में से भी n की पावर n कॉमन लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो n की पावर 2 कॉमन आएगा और यहाँ से इस प्रकार से, देखो इसको एक बार तोड़ लेते हैं, इसको स्टेप बाई स्टेप अच्छे से तोड़ने की हमें यहाँ पे दोस्तों मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, देखो n की पावर n यहाँ से n की पावर n कॉमन आ जाएगा, दैट 1+1 अपॉन n ये बचेगा, होल पावर n बचेगा और x की पावर n बचेगा, ठीक है, नीचे हमारे पास n की पावर n डॉट n की पावर 1 इस प्रकार से बच जाएगा, इन टू यहाँ पे n+1 तो n यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, देन n+2 इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारे पास 1+1 अपॉन n प्लस यहाँ पे n और n की होल पावर 2 इस प्रकार से हमारे पास ये बच जाएगा, और यहाँ से भी दोस्तों मैं क्या करने की कोशिश करूँगा n प्लस
टू दे रखा दैट यहाँ से भी मैं एन प्लस एन की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लेता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या बचाएगा, वन प्लस वन अपॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ टू अपॉन एन की होल पावर एन प्लस वन बचेगा, और यहाँ पे मैं एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर वन, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं आगे वाला जो स्टेप है वो इसको इस प्रकार से करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, एन की पावर एन, एन की पावर एन, ये वाला कट गया। ठीक है, यहाँ एन की पावर वन है, ठीक है, फिर बाद में एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन, ये वाला कट गया, दैट यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे एन की पावर एन प्लस टू, एन की पावर एन प्लस वन, यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार देखो, इसको एन प्लस एन की पावर एन प्लस टू दे रखा है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ एन प्लस वन डॉट एन की पावर वन, इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। देन यहाँ पे जब इस प्रकार से मैं इसको लिखूँगा तो एन की पावर एन प्लस वन से एन की पावर एन प्लस वन कट जाएगा, एन की पावर वन से एन की पावर वन कट जाएगा, दैट ये वाला पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखो और कुछ बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एन प्लस एन की पावर एन प्लस दो, अभी एक बार जो बचा है उसको लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर बाद में जो कटना है उसको और काट देंगे। ठीक है, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, देखो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचा है, एन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, एक तो ये बचा, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, ये बचा हुआ। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, ये सारा कट गया है, और यहाँ पे देखो एन प्लस वन अपॉन एन, यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन, और इसमें पावर एन करा हूँ एक तो, ठीक है, और डॉट वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर टू, इसको अलग अलग मैंने तोड़ दिया इसको। ठीक है, इनको जोड़ूंगा तो वापस वो का वो स्टेप आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो नीचे क्या बचा है, यहाँ पे वन प्लस टू की पावर एन, वन प्लस टू की पावर एन, देखो यहाँ पे दोस्तों मुझे ई वैल्यू निकालना, जैसे हमें पता है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन की जो वैल्यू है वो है वन प्लस वन अपॉन एन इज इक्वल टू यहाँ पे की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है, दैट यहाँ पर भी मुझे ई करना है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, पहले तो इसको मैं एन प्लस वन दे रखा, तो एक तो यहाँ पे एन आ गया, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये एन आ गया, दूसरा यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से कर सकता हूँ, देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या लाना है दोस्तों, देखो यहाँ पे पावर पावर टू लाना मुझे, ठीक है, देन यहाँ टू बाई टू कर सकता हूँ इस प्रकार से मैं, एन बाई टू इंटू टू, टू से टू कट जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, देखो पहले मैं इसको एस इस प्रकार से लिख देता हूँ, वन प्लस टू की पावर एन और ये वन, ठीक है, एन प्लस वन इस प्रकार से, और यहाँ पे एक एक्स बचा हुआ, यहाँ पे वन अपॉन एक्स बचा हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एन प्लस टू यानी एन बटा एन बाई टू इज मल्टीपल बाई टू, इस प्रकार से कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या लाना है दोस्तों, ई लाना है, और यहाँ पे पावर टू हो जाएगी, देखो टू बाई एन, एन बाई टू और ये पावर टू हो जाएगी। ठीक है, देट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू ई होती है, इसकी वैल्यू भी ई होती है, और यहाँ पे एन डैश इनफाइनाइट जीरो, यहाँ पे वन अपॉन जीरो, दैट ये जीरो हो जाएगा, दैट ई डॉट ई एन ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में वन प्लस टू की पावर एन और एन बाई टू इज मल्टीपल बाई टू, इट मीन्स यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स बचा, इस टू अपॉन एन यानी एन डैश इनफाइनाइट रखो, ये तो जीरो हो जाएगा, दैट यहाँ पे वन या एक्स बचेगा, दैट यहाँ पे ई स्क्वायर कट जाएगा, दैट यहाँ पे वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कैलकुलस में और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बचेगा अब यहाँ पे कि एक्स वन अपॉन एक्स है। ठीक है, वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन टू वन, अभिसारी श्रेणी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे कहना चाहूँ एक्स वन अपॉन एक्स इज लेस देन टू वन, तो अपसारी श्रेणी होगी। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वन लेता था तो अभिसारी या अपसारी होगी। ठीक है, या वन इज इक्वल टू के लिए, तो यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यहाँ पे अभिसारी या अपसारी होगा, तो इसमें डिसाइड करके देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये किस प्रकार से हो जाएगा। देट यहाँ पे मैं जो यू एन दे रखा है, यू एन में जो एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ मैं,
एक्स जीरो वन लिख देता था, यहाँ पे एन प्लस वन की होल पावर एन, और वन की एक्स की जगह यहाँ पे वन रखूँगा, दैट वन की पावर एन, दैट वन ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और एन की पावर एन प्लस वन, एन की पावर एन प्लस वन, इस प्रकार से, ठीक है, दैट यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और कॉमन क्या लूँगा मैं, एन कॉमन लूँगा, ठीक है, ऊपर वाले में, ऊपर वाले स्टेट, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे एन की पावर एन और वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, ठीक है, और एन की पावर एन डॉट एन की पावर वन, इस प्रकार से मैंने इसको कॉमन ले लिया, दैट इससे ये कट गया, दैट यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यू एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, दोस्तों क्या होता है यहाँ पे हमें, या फिर मैं कह सकता हूँ सहायक श्रेणी ले रहा हूँ, पहले क्या ले लेता हूँ, सहायक श्रेणी ले लेता हूँ, ठीक है, तो जो स्टेप बचा वो इसको इस प्रकार से वन प्लस वन अपॉन एन, देखो वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन अपॉन एन की पावर वन, देट यहाँ पे सहायक श्रेणी क्या हो जाएगी, देखो सहायक श्रेणी, ठीक है, सहायक श्रेणी, और सहायक श्रेणी वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर वन, देट यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन अपॉन एन इज मल्टीपल बाई एन की पावर वन इज वन, इसे इसे कट गया, देट यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू ई आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पे ई आ जाएगी, और ई इज नॉट इक्वल, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ई इज नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों, जीरो है, देट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो अभिसरण का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा, या वी एन पे, सिग्मा वी एन पे, ठीक है, तो ये वी एन पे निर्भर करेगा, और वी एन वन अपॉन एन की पावर वन, और यहाँ पे जो पी की वैल्यू दे रही इज इक्वल टू वन, देट यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूँ कि पी यहाँ पे ग्रेटर देन टू वन है तो अभिसारी होगा, ठीक है, और यहाँ पे पी इज लेस देन टू वन है तो अपसारी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अभिसारी होगा या अपसारी होगा। देखो दोस्तों इसको क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा वापस बता देता हूँ सही ढंग से, क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलस में है, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सीरीज दे रही कि इसका हमने यहाँ अभिसरण का एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन, एक्स की पावर एन, एन एन की पावर एन प्लस वन, दोनों का अनुपात परीक्षण था, यानी यू एन यू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे एन प्लस वन की जगह एन प्लस टू, और एन की जगह एन प्लस वन, एक्स की पावर एन की जगह एन प्लस वन, और एन की जगह एन प्लस वन, और एन प्लस वन की जगह एन प्लस टू, दैट यहाँ पे लिमिट एन डैश इन्फाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एन प्लस टू, ठीक है, देखो एन प्लस वन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की होल पावर एन, एन प्लस वन की होल पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एन एन की पावर एन प्लस वन, दैट इस प्रकार से ही, और यहाँ पे नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस टू अपॉन यहाँ पे एन प्लस टू की होल पावर एन प्लस वन इज डॉट यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों क्या करने की कोशिश करूँगा, एन की पावर एन कॉमन ले रहा था, ठीक है, एन की पावर एन यहाँ से कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एन की पावर एन, एन की पावर एन, यहाँ पे एन की पावर एन डॉट प्लस वन, दैट एन की पावर एन डॉट एन की पावर वन, दैट यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप है कि एक्स की पावर एन नहीं है, और यहाँ पे मैं क्या कर एन कॉमन लेने की कोशिश करूँगा, एन की पावर एन प्लस टू, और वन प्लस वन अपॉन एन, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, दैट यहाँ पे एन प्लस वन प्लस ये यहाँ ये यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, एन ये कट जाएगा, दैट एक्स की पावर एन, और यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ से यहाँ कट जाएगा, एक्स डॉट एक्स की पावर वन बचेगा, दैट यहाँ पे मैं जो बचा है वो यहाँ पे लिख दे, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, वन देखो वन प्लस वन अपॉन एन की ऑल पावर एन बचा है, और यहाँ पे मैं इसको दो बार तोड़ लिया, इसको वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ पे पावर एन प्लस टू दे रखा, दैट यहाँ पे वन प्लस एन वन अपॉन एन की होल पावर टू, दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार से तोड़ लिया, नीचे हमारे पास क्या बचा दोस्तों, एन वन प्लस टू बाई एन, वन प्लस टू बाई एन, और एन टू बाई एन दे, देखो यहाँ वन प्लस टू बाई एन की होल पावर एन प्लस वन दे रखा, इसको मैंने एक तो दो बार भागों में बांटा और टू बाई टू से मल्टीपल कर लिया, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा वन अपॉन एक्स, एक्स का मान यहाँ पे ग्रेटर दैन के लिए तो अभिसारी, लेस दैन के लिए अपसारी, इक्वल के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब अभिसारी अपसारी, दैट यहाँ पे मैंने एक्स जगह क्या लिख दिया दोस्तों, वन लिख दिया, दैट यहाँ पे हमारे पास इस पर एन प्लस वन की होल पावर एन, एन एन की पावर एन प्लस वन यू एन, एन की पावर एन, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, और एन की पावर एन डॉट एन की पावर वन, देन यहाँ पे मैं वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, और वन की पावर एन, दैट यहाँ पे
इसको इस प्रकार से बाकी वाला तुम कर नहीं सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको यू एन अपॉन वी एन किया दैट यहाँ पे इज ई आई वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट वन अपॉन ई वन अपॉन एन की पावर एन इज इक्वल टू यहाँ पे पी और पी की वैल्यू वन वन इज पी और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ग्रेटर दैन के लिए अभिसारी लेस दैन के लिए अपसारी होगा, ठीक है। दैट यहाँ या फिर मैं कह सकता हूँ ये अभिसारी नहीं हो, यहाँ पे देखो ये अभिसारी होगा अपसारी होगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल के लिए ना यहाँ पे, ठीक है, अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अपसारी श्रेणी होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का वो है पाँचवा, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज का नहीं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल पाँचवा ले रहा हूँ और एग्जाम्पल पाँचवा किस प्रकार से करना देखो, जस्ट ऐसा कैसा है ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फाइव, और एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या कह रहा है देखो, एग्जाम्पल नंबर फाइव ले रहा हूँ, ठीक है, और इसकी सीरीज किस प्रकार से दे रही है हमें यहाँ पे वन अपॉन या वन प्लस टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस फोर की पावर थ्री और एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। और यहाँ पे जो श्रेणी होगी यू एन वाली वो किस प्रकार से होगी देखो, देखो यहाँ पे वन अपॉन वन, देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो वन अपॉन फैक्टोरियल वन और यहाँ पे एक्स की पावर वन इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो एन एन से स्टार्ट वन टू थ्री फोर द एन और यहाँ पे पावर दे रही क्या देखो, यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं देगी, देखो पावर यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ, वन की पावर जीरो, ठीक है, वन की पावर जीरो द एन की पावर एन माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, जीरो देखो जीरो वन टू थ्री इस प्रकार तो एन और यहाँ पे एक्स की पावर एन और यहाँ पे फैक्टोरियल एन लिख सकता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल एन इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ये इक्वेशंस बन जाएगी, एन की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन कैसा आ रहा दोस्तों यहाँ पे देखो एक्स की पावर वन यह वन है और यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है, दैट यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं दोलंबन अभिसरण परीक्षण तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोलंबर अनुपात परीक्षण, दोलंबर अनुपात परीक्षण, ठीक है, दोलंबर अनुपात परीक्षण और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, दोलंबर अनुपात परीक्षण और यू एन प्लस वन इज इक्वल टू देखो यू एन प्लस वन करना देन यहाँ पे एन प्लस वन की होल पावर एन और एक्स की पावर एन और यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल, इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं यू एन अपॉन लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू देखो एन की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन इज मल्टीपल बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन यहाँ पे जो ये स्टेप है एन प्लस वन की होल पावर एन डॉट एक्स की पावर एन, इस प्रकार से हमारे पास आ गया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ देखो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट यहाँ पे एन की पावर एन, ठीक है, एन की पावर या एन की पावर एन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, एन की पावर एन कॉमन लिया और यहाँ पे एक्स की देखो एन की पावर एन इसको तोड़ लेता हूँ मैं एन की पावर एन और एन की पावर माइनस वन और यहाँ पे मैं एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर माइनस वन, इस प्रकार से इसको तोड़ा मैंने और यह फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल एन और यहाँ पे मैं एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन इसको भी मैंने तोड़ लिया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ देखो यहाँ पे मैं एन कॉमन ले लेता हूँ एन की पावर या एन की पावर एन और वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन और यहाँ पे एक्स की पावर एन, दैट यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है, देखो एन की पावर एन से एन की पावर एन फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन और यहाँ पे भी एक्स की पावर एन एन की पावर माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और या फिर मैं इसको इस प्रकार से कह देता हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन
यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, तो इसके बाद जो बच्चा वो लिख देता हूँ, देखो एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, और एक्स बच्चा दैट यहाँ पे मैं आगे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन डॉट एक्स, और यहाँ पे एन डैश इनफाइनाइट दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन यानी ई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वन अपॉन ई एक्स इज ग्रेटर देन टू वन, तो अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है। यदि मैं वन अपॉन ई एक्स लेस देन टू वन तो अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है। यदि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वन अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू वन, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स को इधर मल्टीपल करते थे एक्स की जगह वन अपॉन ई, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखूँ दोस्तों, वन अपॉन ई, और यहाँ आगे देखो देखो यहाँ पे दोस्तों यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है। यू एन प्लस वन हमारे पास क्या है, यू एन प्लस वन और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इक्वेशन है वन प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन डॉट एक्स, ठीक है। और एक्स जगह क्या रखूँगा मैं, ई रखूँगा, दैट यहाँ पे एक्स जगह ई रखते ही यहाँ पे इस प्रकार से ये ई आ गया जाएगा, ठीक है। ये ई आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लघुगणक या फिर मैं कह सकता हूँ मैं लघुगणक अनुपात परीक्षण करेंगे। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लॉग ले लेता हूँ ई, और लॉग ई वन प्लस वन अपॉन एन, या फिर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में वन प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे दोस्तों आगे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन। दैट इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, दैट यहाँ पे पावर वन तो देर की माइनस वन आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और यहाँ पे लॉग ई मल्टीपल में दे रखा है। दैट यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा दोस्तों वो इस प्रकार से आ जाएगा, लॉग मल्टीपल में दे रखा तो प्लस में हो जाता है लॉग वन प्लस वन अपॉन एन वन माइनस एन, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं देख चूँकि लॉग वन प्लस एक्स इज इक्वल टू, लॉग वन प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है। दैट यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपांडेड कर लेता हूँ। यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा वन माइनस एन देर का, यह आगे आ जाएगा। दैट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लॉग लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग ई प्लस वन माइनस एन, और यहाँ पे देख वन अपॉन एन, दैट वन अपॉन एन इसको इस प्रकार से लिख सकते, देखो एक्स माइनस वन, दैट यहाँ पे वन अपॉन एन, देखो वन अपॉन एन माइनस, और यहाँ पे वन ही दे रखा है तो एक्स स्क्वायर यानी कि वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो आगे जो स्टेप रहेगा हमारे पास इस प्रकार रहेगा, लोग या फिर मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे देखो लॉग ई है ना, लॉग ई की जगह हमारे पास दोस्तों वन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू होती है वो वन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं एन से गुणा करूँगा, क्या करूँगा एन से गुणा करूँगा, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखो लॉग ई की जगह मैं वन लिख देता हूँ, ठीक है। लॉग ई की जगह क्या लिखता है दोस्तों, वन लिख देता हूँ। और चूंकि यहाँ लिख देना लॉग ई इज इक्वल टू वन होता है,
ठीक है, दैट यहाँ पे लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस, देखो वन प्लस और यहाँ पे एन माइनस वन दे रखा है, एन माइनस वन को अंदर मल्टीपल करेंगे दैट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है, वन माइनस एन अपॉन एन प्लस, इसको अंदर गुणा करूँगा या माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वन माइनस एन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन थ्री, देखो वन माइनस एन थ्री एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से, फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है, एन से एन ये कट जाएगा प्लस यहाँ पे वन अपॉन टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एन प्लस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप आया उसको मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर लेता हूँ, देखो एन से गुणा करूँगा यहाँ पे ये और ये, इन दोनों का स्टेप बन रहा है, इन दोनों का अलग अलग स्टेप बन रहा है, ठीक है, दैट यहाँ पे दोनों तरफ मैं क्या करूँ दोनों तरफ एन से गुणा करने पर गुणा करने पर दैट यहाँ पे एन लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो एन से गुणा कर रहा हूँ दैट यहाँ पे एन आ जाएगा, एन से गुणा करने पर ये एन से ये कट जाएगा वन अपॉन एन से वन अपॉन एन ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा वन माइनस वन अपॉन या माइनस एन आ जाएगा, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखो इस प्रकार से और फिर यहाँ पे वन अपॉन टू एन माइनस वन अपॉन टू और इस प्रकार से डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे जो जो बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा, तो एन से माइनस एन कर देगा वन प्लस, ठीक है, वन अपॉन एन दैट यहाँ पे हमारे पास वन यहाँ बार माइनस है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बार क्या है माइनस है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बार क्या है माइनस है, ये भी बार माइनस है दैट ये प्लस का हो जाएगा, दैट यहाँ पे एन लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक तो ये वन बच रहा है प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू इज ग्रेटर देन टू वन है, ठीक है, इज ग्रेटर देन टू वन है, देन यहाँ पे स्पष्ट है कि लघुगणकीय अनुपात परीक्षण से अभिचारी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप लघुगणकीय अनुपात परीक्षण से यहाँ अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं एक बार पूरा का पूरा वापस बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इस प्रकार से सीरीज दे रखी है और यहाँ पे यू एन की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन है, दो नंबर अनुपात परीक्षण से यू एन प्लस वन और एन प्लस वन की होल पावर एन यहाँ पे एन माइनस वन दे रखा दैट यहाँ पे और एन प्लस वन करेंगे तो माइनस वन प्लस वन कर जाएगा एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन तो एन आ जाएगा एन एन प्लस वन फैक्टोरियल देन यू एन प्लस वन यू एन की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस वन यहाँ पे एन प्लस देखो यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन और यहाँ पे एन प्लस वन की होल पावर एन और एक्स की पावर एन दैट यहाँ पे जो कटना है उसको काट के हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आएगी वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन और एक्स दैट यहाँ पे इसकी देखो यहाँ पे एन डैश इन्फाइनाइट है जीरो हो जाएगा वन अपॉन और यहाँ पे इसकी वैल्यू ई होती है एक्स का एक्स हो जाएगा दैट यहाँ पे ई वन अपॉन ई एक्स इज ग्रेटर देन टू वन अभिसारी अपसारी लेस देन में इक्वल में यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स ई को तो यहीं रखा मैंने एक्स इधर मल्टीपल है एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई दैट यहाँ पे यून अपॉन यून प्लस वन ई देखो और यहाँ पे मैंने क्या किया देखो दोस्तों जो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पे यून यून प्लस वन यहाँ पे इसमें ये वैल्यू रखी ठीक है मैंने कहा था कि अगर यू एन यू एन प्लस वन इजक्ल टू ई आता दैट यहाँ पे दो नंबर अनुपात परीक्षण लेना देन यहाँ पे मैं एक्स जगह क्या रख रहा हूँ एक्स जगह ई रख रहा हूँ दैट यहाँ ई वन प्लस एन वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन दैट दोनों तरफ में लॉग से गुणा किया यू एन लॉग यू एन यू एन प्लस वन लॉग ई
देखो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास ये ई लॉग ई वन अपॉन एन, देखो वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, दैट पावर वन, यहाँ पे पावर वन दे रखी, यहाँ ऊपर ले जाते क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, दैट यहाँ पे लॉग यू एन, यू एन प्लस वन ये मल्टीपल में देगा, ये बीच में प्लस आ जाएगा, दैट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लॉग वन प्लस एक्स जो वैल्यू थी ये वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है, दैट लॉग यू एन प्लस वन, और यहाँ पे इसकी जगह लॉग ई की जगह यहाँ पे वन रख रहा हूँ बिकॉज लॉग ई की वैल्यू वन होती है, और यहाँ पे एन माइनस वन आगे आ गया, इसका वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है, लॉग यू एन प्लस वन, ठीक है, वन प्लस यहाँ पे मैं इसको अंदर मल्टीपल कर लेता, इसको अंदर मल्टीपल कर लिया और यहाँ पे एन का डिवाइड किया या टू एन स्क्वायर का डिवाइड किया, इस प्रकार से हमारे पास स्टेप आ जाएगा, दोनों तरफ एन से गुणा किया, देन यहाँ पे इस प्रकार से स्टेप आ गया और यहाँ पे वन और वन बाई टू इस प्रकार से बचा, थ्री बाई टू इज ग्रेटर दैन टू वन, लघु गुणी की अनुपात परीक्षण से यहाँ पे जो वैल्यू है इज ग्रेटर दैन टू वन है, देट यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी। दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, और आज के लिए बस इतना ही।